इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीगंगानगर दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश नाकाम। पंजाब के बठिंडा के पास ट्रैक पर मिले लोहे के सरिये, ट्रैक पर पड़े मिले 9 लोहे के सरिये। सिग्नल नहीं होने पर मालगाड़ी का लगाया गया ब्रेक। स्टेशन स्टाफ ने मालगाड़ी ड्राइवर को ट्रैक पर सरिये होने की सूचना दी। आरपीएफ और जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर सरियों को कब्जे में लिया। शरारती तत्वों की शरारत या कोई साजिश, ये बड़ा सवाल, क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो। कानपुर में आपने देखा कि 2 बार पलटाने की साजिश रची गई, ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है, या कोई शरारती तत्व शरारत कर रहा है। किसी भी ट्रेन के साथ हो सकती थी घटना, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं, कैसे यहां पर 9 सरिये रखे गए। हादसा हो जाए इसके लिए पूरी तरह से कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई हर बार की तरह। लेकिन ये आप देखिए, इस बीच ये बड़ा सवाल बनता है, ये शरारती तत्वों की साजिश शरारत है या कोई साजिश है। फतेह सागर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फतेह, क्या जानकारी मिल रही है? जांच की गई तो कुछ सामने आया, कुछ पता चला? देखिए, देश में बड़े पैमाने पर रेल जिहाद जहां चल रहा है, उसी को देखते हुए पंजाब के बठिंडा बग्गी नगर के पास एक बड़ा रेल हादसा उतल गया है। अल सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन के पटरी पर उतारने को लेकर उन्होंने पटरी पर 9 लोहे के जो सरिये रख दिए थे, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाए और रेलगाड़ी बेपटरी हो जाए। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि जो साजिश थी आखिर किस ट्रेन को पलटने की थी। हालांकि उस दौरान उसी ट्रेन पर मालगाड़ी आ गई और मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से जो बड़ा हादसा होने वाला था जो टल गया। बता दें कि दिल्ली की तरफ से एक मालगाड़ी आ रही थी, उस दौरान मालगाड़ी भी कम थी, जिसके बाद मालगाड़ी को जो बेपटरी करने की साजिश का आंख पर खुलासा हुआ है। इस साजिश के कारण इस रूट की कई ट्रेनें जो अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चली, जब सब कुछ ठीक हो गया तो अधिकारियों ने मालगाड़ी को रवाना कर दिया। वही बठिंडा के जो है श्रोमणी अकाली दल के वार्ड इंचार्ज गौतम ने कहा है कि इस रेलवे ट्रैक पर जब गाड़ी देरी होती है तो आए दिन यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं होती है, अज्ञात लोग हैं अक्सर इस ट्रैक पर घूमते रहते हैं, और रेलवे जंक्शन नजदीक होने के कारण और सिग्नल न मिलने के कारण जब रेल यहाँ देरी होती है तो युवक लूटपाट कर देते हैं। हो सकता है कि लूटपाट के मकसद से ऐसी ट्रैक पर सरिये रखे हों। श्रोमणी अकाली दल ने वार्ड इंचार्ज जो उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ किए जाने की मांग की है। फिलहाल यहाँ पर जो अज्ञात युवक है उनके अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी मौजूद नहीं थे, इसे लेकर अभी नहीं पता चल पा रहा है, और जो शरारती तत्व है उनकी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है फतेह सागर, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक ये बड़ी साजिश एक तरह से प्रतीत हो रही थी जिसे नाकाम किया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी, और देखिए मास लेवल पर ये लोगों की जान लेने की साजिश रची जा रही है, और बार बार देश के अलग अलग कोनों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान में बार बार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये कोई शरारती तत्व शरारत कर रहा है या कोई साजिश, ये बड़ा सवाल पूरे देश में बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा था कि कल कानपुर में फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, आज आप ये देखिए कैसे ट्रैक पर 9 लोहे के सरिये मिले। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, और सवाल हम करते हैं ये सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, कहां है ध्यान? क्योंकि आए दिन रेल हादसों को दावत देने की तमाम कोशिशें की जा रही है।